हेलो फ्रेंड्स, को फिर से आप सभी एक वीडियो में स्वागत करता हूं। और नया महीना शुरू होने वाला है, तो आप सभी को पता है कि न्यू मंथ स्टार्ट होने के बाद में सभी सेक्टर में, चाहे बैंकिंग सेक्टर की बात कर ले, क्रेडिट कार्ड के सेक्टर में बात कर ले, कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस होते ही रहते हैं। तो मैं आप सभी के लिए हर मंथ जो है इस टाइप की वीडियो लेकर आता रहता हूं, जिसमें मैं आपको बताता हूं से क्या कुछ नया चेंजेस होने वाला है। तो आज का भी ये जो वीडियो है न्यू बैंकिंग अपडेट्स के बारे में है। तो आप भी जानना चाहते हैं न्यू बैंकिंग अपडेट्स, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आपसे कुछ ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूं, यानी अपने सेटअप पे नहीं हूं, जिस कारण से आपको बैकग्राउंड जो है कुछ अलग ही देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पेड़ वगैरह देखने को मिल रहे होंगे और पीछे जो है आपको बाढ़ का पानी देखने को मिल रहा होगा। नॉर्मल पानी बारिश का नहीं है, बल्कि ये बाढ़ का पानी है। हमारे गाँव में बाढ़ भी आ चुका है। तो चलिए कोई बात नहीं, मेरा काम है आप सभी को अपडेट देना, न्यूज़ देना। जो भी न्यू ऑफर्स वगैरह आते हैं, न्यू अपडेट आते हैं, वो मेरा काम है, वो मैं आपको हमेशा देता ही रहूँगा, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ, जिस भी हालत में रहूँ। तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले अपडेट से, जो कि आया हुआ है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। तो अगर आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं तो आपको उसमें एक वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है। तो पहले उस वर्चुअल डेबिट कार्ड का कोई भी चार्जेस नहीं था, लेकिन अब जो है आपको जुलाई से शुरू हो चुका है, आपको उसके लिए चार्जेस पे करने पड़ेंगे। कार्ड इशू करने के लिए भी ₹2500 आपको पे करना पड़ेगा। अगर कार्ड कहीं पर खो जाता है, उसको रीइशू भी करवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ₹2500 पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ जो न्यू चार्जेस हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट जो है आपसे लेगी, अगर आप उनका वर्चुअल डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है, अगर आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट में वीडियो का लिंक दे दूंगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। तो अब बात करें नेक्स्ट अपडेट की, नेक्स्ट अपडेट जो है IDFC फर्स्ट बैंक यूजर्स के लिए है। तो अगर आपके पास में IDFC फर्स्ट बैंक है और उसका डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो पहले उसके लिए कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते थे, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आप IDFC फर्स्ट बैंक का वीजा क्लासिक डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं तो उसका एनुअल फीस जो है ₹199 आपको पे करने पड़ेंगे, यानी ₹199। और रिप्लेसमेंट फीस भी है, यानी अगर आपका कार्ड खो जाता है तो उसे आप रिप्लेसमेंट करवाते हैं, तो उसके लिए भी आपको ₹199 पे करने पड़ेंगे। यहीं पर अगर आपके पास में कार्ड जो है वीजा सिग्नेचर डेबिट कार्ड है, तो उसका जो एनुअल फीस है ₹499 यानी ₹499 है, और रिप्लेसमेंट फीस जो है सिर्फ ₹199 ही रखा गया है। ये कुछ जो चार्जेस है IDFC फर्स्ट बैंक के डेबिट कार्ड के ऊपर अब आपको पे करने पड़ेंगे। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वन कार्ड यूजर्स के लिए है। तो अगर आपके पास में वन कार्ड है तो यहाँ पर जो है इसके कुछ इंटरेस्ट रेट में चेंजेस आए हैं, अगर आप ओवरड्यू अमाउंट को टाइमली रीपेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर हम करेंट टाइम की बात करें तो यहाँ पर आपसे 2.5% का पर मंथ जो है इंटरेस्ट रेट लगाया जाता है, जिसकी अगर हम एनुअल बात करें तो 30% का आपसे पर एनुअम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करना पड़ेगा। और जो 10 जुलाई 2022 से आपसे 3% का पर मंथ और 36% का पर मंथ जो है इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सो नेक्स्ट अपडेट जो है एक्सिस बैंक यूजर्स के लिए है। तो अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का अकाउंट है तो पिछले महीने ही जो है सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ चेंजेस हुए थे, इस मंथ से भी जो है करंट बैंक अकाउंट वाले को भी चेंजेस होने लगेंगे। तो यहाँ पर बात करें पहले हम सेविंग बैंक अकाउंट वालों को क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके पास में प्राइम एंड लाइबिलिटी अकाउंट है तो यहाँ पर आप जो पर मंथ जो है 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जिसमें पहले जो लिमिट था 2 लाख रुपये का था, लेकिन अभी भी आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन अभी जो लिमिट आपको मिलेगी सिर्फ 1.5 लाख रुपये तक ही कर पाओगे पूरे महीने में, जो कि 1 जुलाई 2022 से लागू हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट डेबिट कार्ड फेल्योर के भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले आपसे फर्स्ट रिटर्न के ऊपर ₹375 ले जाते थे, सेकंड रिटर्न के ऊपर ₹425 ले जाते थे, थर्ड रिटर्न के ऊपर आपसे ₹500 लिया जाता था, लेकिन अब जो है यहाँ पर आपको सभी रिटर्न्स के लिए ₹500 ही पे करने पड़ेंगे, ये भी 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। ऑटो डेबिट फेलियर के ऊपर पहले आपसे ₹200 लिए जाते थे, लेकिन अब आपसे ₹250 लिया जाएगा। और यहाँ पर कैश डिपॉजिट और विड्रॉ के भी जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं, लिमिट आपका अगर एक्सटेंड कर जाते हैं तो उसके ऊपर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो फिजिकल स्टेटमेंट वगैरह आप लेते हैं, डुप्लीकेट पासबुक वगैरह के भी चार्जेस बढ़ा दिए गए हैं। पहले आपसे ₹75 लिए जाते थे और अब आपसे ₹100 लिए जाएंगे। इसके अलावा एडिशनल चेकबुक लेते हैं, पर लीफ आपको 2.5 रुपीज में बढ़ता था, लेकिन अब जो है आपको उसके लिए ₹4 पर लीफ के लिए पे करना पड़ेगा। तो ये कुछ चेंजेस थे सेविंग बैंक अकाउंट होल्डर के लिए। अब बात करते हैं करंट बैंक अकाउंट होल्डर के लिए। तो अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट है तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ चेंजेस होने वाले हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो कैनोवर में कुछ अलग चेंजेस है और CAADV में कुछ अलग चेंजेस है। ये दोनों का मतलब क्या है, इसको बताने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देख सकते हो आप कि अगर आपका नॉर्मल करंट अकाउंट है
हैं तो आपका CANOR में आता है, और यदि आपका अकाउंट जो है बिजनेस एडवांटेज में है तो वो CAADV में आएगा। तो यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका CANOR में है तो अगर आप मेट्रो एरिया में और अर्बन एरिया में रहते हैं तो पहले आपसे 10,000 रुपये मेंटेन करवाते थे, और सेमी और अर्बन में 5,000 रुपये करने पड़ते थे, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 15,000 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे मेट्रो और अर्बन के लिए, और सेमी अर्बन के लिए 7,500 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। जो चार्जेस की बात करें तो अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते तो 50% के अकॉर्डिंग मिनिमम जो था आपको 600 रुपये शॉर्टफॉल देना पड़ता था, और मैक्सिमम जो है 800 रुपये आपको देने पड़ते थे। लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम शॉर्टफॉल है 600 रुपये रखा ही गया है, लेकिन अब यहाँ पर 75% तक कर दिया गया है, यानी अब से 900 रुपये तक का चार्जेस वसूला जा सकता है। सेम जो है CAADV में भी किया गया है, अगर आप मेट्रो एरिया वगैरह में रहते हैं तो 25,000 रुपये अब आपको मेंटेन करने पड़ेंगे, और रूरल एरिया वगैरह में रहते हैं तो 12,500 रुपये मेंटेन करने पड़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और इसके अलावा यहाँ पर जो देख सकते हो 750 रुपये पहले भी आपको पे करने पड़ते थे, और जो मैक्सिमम था वो 1,000 रुपये तक आपको पे करने पड़ते थे, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम में जो है चेंजेस किए गए हैं। मिनिमम आपको 750 रुपये ही पे करने पड़ेंगे अगर आप मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो, और मैक्सिमम जो है आपको 1,100 रुपये तक पे करने पड़ेंगे। और भी यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैश हैंडलिंग चार्जेस भी जो है पहले 1% का लिया जाता था, और अब जो है यहाँ पर आपको 2% तक का देना पड़ेगा। और ESS नैच डेबिट फेल्यूर चार्जेस जो है पहले आपसे 375, 425 सेकंड ट्रांजेक्शन में, थर्ड ट्रांजेक्शन में आपको 500 रुपये, लेकिन अब यहाँ पर सभी ट्रांजेक्शन के लिए आपको 500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रिजेक्ट फी आप देख सकते हो यहाँ पर भी इंक्रीज़ किए गए हैं, पहले आपसे 200 रुपये पर रिजेक्ट लिया जाता था, लेकिन अब आपसे 250 रुपये पर रिजेक्ट लिया जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप लेते हैं तो 75 रुपये पर स्टेटमेंट पहले लिया जाता था, लेकिन अब इसके भी चार्जेस बढ़ा दिए गए, अब 100 रुपये पर स्टेटमेंट आपको पे करना पड़ेगा। चेक रिटर्न्स के भी यहाँ पर जो चार्जेस थे पहले सिर्फ 100 रुपये थे, लेकिन अब यहाँ पर जो है फर्स्ट रिटर्न ऑफ द मंथ 50 रुपये और सेकंड रिटर्न ऑनवर्ड द मंथ है 100 रुपीज़, यानी अलग अलग यहाँ पर चेंजेस हो गए हैं। सो हम यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर के अपडेट के बारे में बात कर रही हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए जुलाई महीने में किस किस दिन को बैंक बंद है, तभी आप अपने कन्वेंशन के अकॉर्डिंग बैंक में विजिट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कौन कौन से दिन को बैंक बंद रहेंगे। 1 जुलाई को कांग रथ यात्रा है, जिस कारण से भुवनेश्वर और इम्फाल में बैंक बंद रहेगा। 3 जुलाई को रविवार है, जिस कारण से साप्ताहिक अवकाश रहेगा। 5 जुलाई को मंगलवार है, गुरु हरगोविंद जी का प्रकाश दिवस है, जिस कारण से जम्मू और कश्मीर में बैंक बंद रहेंगे। 6 जुलाई को बुधवार है, MHIP दिवस है, जिस कारण से मिजोरम में बैंक बंद रहेंगे। 7 जुलाई को खर्ची पूजा है, अगरतला में बैंक बंद रहेगा। 9 जुलाई को शनिवार है, महीने का दूसरा शनिवार है, जिस कारण से बैंक बंद रहेंगे। 10 जुलाई को रविवार है, इस कारण से बैंक बंद रहेगा। 11 जुलाई को ईद उल अजहा जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेगा। 13 जुलाई को भानु जयंती है, गंगटोक में बैंक बंद रहेगा। 14 जुलाई को बैन डीएन खलाम है, शिलोंग में बैंक बंद रहेगा। 16 जुलाई को हरेला है, देहरादून में बैंक बंद रहेगा। 17 जुलाई को रविवार है, 23 जुलाई को शनिवार है, 24 जुलाई को रविवार है। 26 जुलाई को केर पूजा है, तो अगरतला में बैंक बंद रहेगा। और 31 जुलाई को रविवार है, तो साप्ताहिक अवकाश रहेगा। तो ये कुछ लिस्ट थी, और ये आप अपने स्टेट वाइज थोड़ा सा करेक्शन भी कर लीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर भी ये सारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हो जिस कारण से आपका बैंक बंद हो, तो थोड़ा सा आप अपने स्टेट के लिए करेक्शन भी कर लीजिएगा। वैसे तो जुलाई महीने में बहुत सारे चेंजेस होने वाले थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चेंजेस होने वाले थे जो कि मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बना कर दे रहा हूँ। इसका सेकंड पार्ट भी आपको मिल सकता है अगर कुछ और चेंजेस होते हैं तो। आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ किसी ओरिएंटेशन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।